अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज मैं जा रहा हूं जी लेस्टर, और आज मैं आपको ट्रैवलिंग दिखाने वाला हूं कि लेस्टर जाने के लिए, अगर आपने लेस्टर लंदन से लेस्टर जाना है तो आपको कहां कहां से ट्रैवलिंग करना है, कौन कहां से टिकट्स वगैरह परचेज करनी है, तो ये तमाम प्रोसेस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो जो टाइम लगता है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे लगते हैं, और अगर आप बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन 3.5 घंटे लग जाएंगे आपको। नॉर्मली जो रेड बसेस होती हैं वो लोकल होती हैं, और बाकी आउट ऑफ सिटी जाने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशन है जहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके डिफरेंट बसेस होती हैं। और जहाँ तक टिकट्स की बात की जाए, तो अगर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं जो टिकट की कॉस्ट होगी वन वे, आई थिंक रिटर्न लेते हैं तो वो तकरीबन आपके आई थिंक 60 to 70 pounds लग जाते हैं, और इस तरह अगर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो वो तकरीबन आपकी कॉस्ट होगी वन वे 10 to 11 pounds, और रिटर्न लेते हैं तो वही 20-21 pounds आपके लग जाएंगे। अभी तक की अपडेट ये है कि हमने इल्फर्ड स्टेशन से ली थी ट्रेन लिवरपूल के लिए, और लिवरपूल हमें श्योर नहीं था कि कौन से स्टेशन से हमें बस के थ्रू हम ट्रैवल करना था, और श्योर नहीं था कि कौन से स्टेशन से बस मिलेगी, तो हम लिवरपूल चले गए। लिवरपूल गए तो हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, वो कह रहे हैं आप बेहतर है कि आप विक्टोरिया स्टेशन चले जाएँ, वहाँ पर एक विक्टोरिया स्टेशन है जो बड़ा है काफ़ी, वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगी लेस्टर जाने के लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं जी विक्टोरिया कोच स्टेशन, और यहाँ से टिकट्स परचेज करते हैं, आपको बताते हैं कि जो टिकट की एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या है। चलें जी, हमने टिकट से ख़रीद ली हैं, जो टिकट की हमें एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ी, हम दो लोग हैं तो तकरीबन ये बनी है जी 43.80 pence, ठीक है 43 pounds and 80 pence, और लेकिन अभी हमारी जो बस है वो तकरीबन 1:30 पे, 1:30 है, तो टाइम है तो सोचा क्यों ना कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं जी लिडल, और वहाँ से कुछ देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि 3.25 घंटे की बस है तो इंजॉय करने वाले हैं, देखते हैं कि यहाँ पे बसेस का जो सफ़र होता है वो कैसा रहता है, तो इंजॉय करें जी हमारे साथ। एक और चीज़ यहाँ बताते चलूँ कि यहाँ की जो टिकट्स होती हैं वो प्रॉपर क्या कैसे, जैसे बोर्डिंग पास इशू होते हैं ना एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वैसी होती हैं टिकट्स, और जिसपे तमाम डिटेल होती है कि कौन कौन को ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, टाइमिंग ये वो एक्सेट्रा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस टिकट पर मिल जाएगी जी। ये रहा जी विक्टोरिया कोच स्टेशन। अभी तकरीबन 6 मिनट रह गया जी गाड़ी चलने में। ये बंदा काफी देर से जी गाड़ी में बैरल उतराने की कोशिश कर रहा है जी। जब मैं लेस्टर सिटी पहुंच चुके हैं जी, अभी मज़ीद शायद आधा 30-35 मिनट्स लग सकते हैं, और 4 बज चुके हैं अभी, और जो बस चली थी उस हम लंदन से तकरीबन 1:30, और सिटी में भी तकरीबन 12 घंटा लगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से चली बस का जो टाइम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन के। ओवरऑल बहुत अच्छा सफ़र है जी, ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं जी।
जी अलहमदिल्ला हम पहुंच चुके हैं जी लेस्टर और तकरीबन हमें लगे हैं जी तकरीबन 3-3.5 घंटे तकरीबन लग गए हमें, ठीक है। और अगर मैं लंदन अगर लेस्टर को कंपेयर करूँ लंदन से, तो लेस्टर बिल्कुल ही वो कहते कह सकते हैं ना एक वीरान जगह है जहाँ पे कोई फंदा ना रहता हो, एक अजीब सा सब माहौल है यहाँ पे। तो लेकिन अगर लंदन से कंपेयर किया तो ये लंदन के मुकाबले बिल्कुल ज़ीरो है जी। ये चेक कर लें यहाँ पे क्या सूरत हाल है, मार्केटें बिल्कुल वीरान है, सड़कें देखने बिल्कुल ऐसी है जैसे यहाँ पे ना वो क्या कहते ना पंजाबी कुत्ते तरीके पे चेक करो यार, कसम से मैं कहता हूँ ये पता नहीं कहाँ है यार, कौन सी जगह ये। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं लेस्टर में, एक लेस्टर यूनिवर्सिटी है और दूसरी है जी डी मॉन्ट फोर्ट। तो बेसिकली यहाँ लेस्टर में दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई एडमिशन वगैरह के अप्लाई करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे सर्च आउट करके अप्लाई कर सकता है। और इनफैक्ट हो सकता है कि ये जो एरिया है यूके का ये लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लंदन के, तो आप इसके ऊपर भी सर्च आउट करके लेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शायद ये जगह मुझे ज़्यादा वीरान से लग रही है क्योंकि मैं लंदन से आया हूँ, तो लंदन में मैंने जो रौनकें देखी हैं तो यहाँ पे वैसे नहीं है, तो शायद इसकी ये वजह भी हो सकती है। जो यहाँ का रहने वाला लंदन में जाएगा वो तो पागल ही हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बताते चलूँ आपको, अगर आप लंदन से ट्रैवल करते हैं किसी और सिटी में जैसा कि हम लेस्टर में आए, तो ये जो हमारे ब्लू ऑस्टर कार्ड है वो यहाँ पे ये ऑस्टर कार्ड यहाँ पे नहीं चलेंगे, आपको बैंक कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा जैसे लंदन में रेड बसेज होती हैं, यहाँ पे रेड बसेज की बजाय वो पिंक बसेज हैं यहाँ पे। तो और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने देखी है बस में, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐप है जी फर्स्ट बस ऐप, मैंने अभी पढ़ा है बस के अंदर, तो अगर आप उसके थ्रू कोई पास वगैरह बनवाते हैं तो पूरे मंथ का जो पास है वो 58 pounds 80 pence का बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ऐप का नाम है जी फर्स्ट बस ऐप। बेसिकली मैं यहाँ मौजूद हूँ लेस्टर सिटी सेंटर में और यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आई डोंट नो कि यहाँ पे इतनी क्यों खामोशी है, क्या वजह है यहाँ पे इतना क्यों है एक सन्नाटा सा। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लेस्टर जो है वो लंदन की नस्बत इतना ज़्यादा सुनसान क्यों है। ये काम ऑलमोस्ट डन है जी, अभी हम निकलने लगे हैं, लेकिन जाने से पहले हमने एक ज़बरदस्त सा डिनर करना है जी तुर्की रेस्टोरेंट पे। तो चलते हैं जी तुर्की रेस्टोरेंट पे और आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ हमने दुबई उतारने वाले हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मैसेज आते हैं कि अगर लंदन को बाकी सिटीज से कंपेयर करें तो कौन सा बेटर रहेगा, तो मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगा कि यार लंदन बेटर है बाकी सिटीज़ के नस्बत, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव थोड़े कह सकते थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन एक वो क्या कहते हैं ज़िंदगी की जो रौनक है वो लंदन से ही है। तो यहाँ पे आके मैंने जब देखा तो ये मॉल बिल्कुल मुझे वो क्या कहते हैं ना सूट नहीं कर रहा। बहरहाल सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जो जिसका जहाँ पे लिखा होता है रिस्क वो वहाँ पे पहुँच जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये जस्ट मेरा एक अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अभी हमने गूगल पे चेक किया और गूगल पे 6 मिनट की वॉक पे कोई तुर्किश रेस्टोरेंट है जी, अभी वहाँ पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आज पेट पूजा होने वाली है। चलिए जी आप देख लें थोड़ी सी लस्टर लस्टर के नज़ारे ले रहे हैं आप, ठीक है। तुर्किश पे आ चुके हैं जी हम, देन ये है जी सैलेड। अभी खाना खा चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खाना, अगर आप लेस्टर आए तो ये तुर्किश रेस्टोरेंट है अंतालिया, इसको आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त खाना और बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस इनकी थी। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप लेस्टर आते हैं तो आपको जैसे लंदन में होते हैं ना प्रॉपर बस स्टॉप बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कई स्टॉप्स पे ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये देख रहे हैं पीछे सिर्फ एक पोल है, उसके पोल के ऊपर एक जस्ट पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर बसेज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अदरवाइज आपको बस स्टॉप नहीं मिलेगा और बसेस मिस होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारे साथ हाथ होने वाला था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे पूछा और हमें किसी अल्लाह के बंदे ने यहाँ पे फिर पहुँचा दिया।
अभी सिर्फ बस का वेट हो रहा है और अभी हम वापस जा रहे हैं जी मार्गरेट जो बस स्टेशन है उस पे, और वापस हम लंदन तकरीबन पहुँचेंगे तकरीबन 11 के आसपास। तो लेट्स सी जी, इस वीडियो के एंड मैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद कर रहा हूँ क्योंकि जब से मेरी वापसी हुई है लंदन तो तब से लेकर अभी तक बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो सोचा क्यों ना आज इस वीडियो का एंड कर ही देते हैं। तो स्टोरी एक्चुअली ये है कि जो पिछले क्लिप में आपने देखा होगा कि हम लोग एक स्टॉप पे खड़े हुए थे और तकरीबन उस स्टॉप पे हमें खड़े हुए आधा से पौना घंटा हो चुका था और अभी तक बस नहीं आई। तो जो बस की हमारी वापसी की बुकिंग थी वो तो मैं सवार थे और हमें वहाँ पे स्टॉप पे 7:30 बज चुके थे। तो हमने करीबी स्टाप से पूछा कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए पैदल, तो वो मुझे कहते हैं कि आप बेहतर है कि पैदल चले जाओ क्योंकि बस का कोई कंफर्म नहीं होता कि वो आएगी या नहीं आएगी। तो हमने जब वहाँ से चेक किया और पैदल जो सफ़र था वो तकरीबन आधा घंटा बता रहा था, अगर हम 7:30 बजे निकले तो हम तकरीबन 8 बजे वहाँ पहुँचना चाहिए था। बगैर वेट किए हमने वहाँ से भागना शुरू किया और 8:05 पर हम जो बस स्टेशन था वहाँ पहुँच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे ये भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप लेस्टर जाते हैं कहीं बाहर सिटीज़ में जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि मैप पे तो वो बस शो कर रही है, टाइमिंग शो कर रही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो बस आती है नहीं आती इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है वहाँ पे। तो हम जो वापस हम पहुँचे थे लंदन तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे और आके बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वीडियो को, मैं वीडियो को जो लास्ट क्लिप था वो रिकॉर्ड कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप यहाँ लंदन से लेस्टर जाना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, टिकट्स कहाँ से परचेज करनी है, व्हाट्सएवर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।